मंगलौर विधानसभा, आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम मंगलौर विधानसभा में आई है। मंगलौर विधानसभा में देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मरगूब कुरैशी। मरगूब भाई, किस तरह का माहौल है मंगलौर विधानसभा में चुनाव को लेकर? मंगलौर विधानसभा में आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी पहले नंबर पर चल रहे हैं, चूँकि जो हमारे यहाँ विधायक है, कांग्रेस से विधायक है निज़ामुद्दीन, उसने इस 5 वर्षों में मंगलौर ना रह करके बल्कि राजस्थान रहने का काम किया। इसलिए जो है यहाँ की जनता बहुत दुखी और आहत है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य या जनता का कोई भी काम नहीं हुआ, इसलिए जनता त्रस्त और दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी को जिताने का काम कर रही है। मंगलौर से काजी निज़ामुद्दीन जो है, उनसे लोग परेशान हो चुके हैं, ये मरगूब कुरैशी जी का कहना है। क्या नाम है आपका? मोहीउद्दीन अंसारी। मोहीउद्दीन भाई, क्या कहेंगे, किस तरह का विधायक बनाने जा रहे हैं इस बार मंगलौर? मैं ये कहना चाहूँगा, मंगलौर विधानसभा में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, वोट तो उन्होंने मंगलौर की जनता का लिया और काम राजस्थान में जाके किया। ये एक ही मुद्दा उठ रहा है कि काम राजस्थान में किया, और कोई मुद्दा आपके पास है या नहीं है? मुद्दा है, 2012 का हाजी सरवत करीम अंसारी साहब का कार्यकाल देख लो, उन्होंने सड़कें, डिग्री कॉलेज, मतलब इतना विकास किया है, लोग उसको दोबारा याद कर रहे हैं और दोबारा उनको जिताने का काम कर रही है मंगलौर विधानसभा की जनता। मंगलौर की जनता दोबारा जिताने काम करेंगे। एक शख्स और मौजूद है, क्या नाम है? मसरूर अख्तर। मसरूर भाई, क्या कहेंगे, किस तरह का विधायक देखना चाहती है जनता यहाँ? भाजी, मंगलौर की जनता क्या, हमारे मंगलौर विधानसभा की जो जनता है वो ऐसा विधायक चाह रही जिसे वो हर वक्त देख सके, जिसे अपने दिल की बात कह सके। इसके अलावा कोई मुद्दा? और मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो मेरे ख्याल से 1 महीने से मुद्दे ही बता रहे हैं हाजी जी अपनी मीटिंग में। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, समर्थन मिल रहा है हाजी सरवत करीम अंसारी को? अब तक हर समाज का समर्थन मिल रहा है, हमने तो ये देखा है। जो आप क्या कहेंगे? मैं विनोद प्रधान, लिबरेटी सर। हाजी साहब ने इतना काम करा, इतना विकास कार्य किया, बहुत ज़्यादा विकास कार्य किया। निज़ामुद्दीन ने यहाँ क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ हवाई जहाज में बैठ कर राजस्थान जाना, बिहार जाना। मैं तो उनके मुंह पर भी कह दिया था कि आपने यहाँ क्षेत्र में हमारे कोई कार्य नहीं किया। निज़ामुद्दीन ने कोई कार्य नहीं किया, लोगों का ये कहना है। कुछ लोग और मौजूद है, क्या नाम है आपका? नैयर आलम। क्या कहेंगे, किस तरह का विधायक देखना चाहते हैं? विधेयक तो हाजी सरवत करीम जैसा देखना चाहेंगे, मगर विकास जो है, विकास निज़ामुद्दीन साहब भी कर रहे हैं। स्लाटर हाउस बनवाया था अपने लिए, विकास किया उन्होंने। हाजी सरवत करीम ने यहाँ कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली घर बनवाए। आज तक तो वो जो कॉलेज बनवाए थे बंद पड़े हुए हैं। बंद तो इनकी वजह से पड़े हैं ना, ये अपने बोर्ड के चक्कर में वहाँ लड़ रहे, हमारा बोर्ड लगाओ। मैं आज माज उसमें आज तक के मैं बेचारे चालू भी नहीं हुआ, जो सिक्कर वाला बंद पड़ा, नहीं तो बहुत सारे लोंडियों को बेचारे वहाँ 25-30 बेड भी लगवाए थे उनके, कि भाई हॉस्टल बन गया, यहाँ से लड़कियों को पढ़ने की वो मिल जाएगी। हम तो ऐसा देखना चाहें जो जनता के बीच में रहो, यहाँ जनता की सेवा करो। निज़ामुद्दीन तो यहीं रहते हैं? निज़ामुद्दीन यहाँ कहाँ रहो, यहाँ पढ़े लिखे और युवा नेता हैं, यहाँ साल में 10 दिन रहो। अजी, हम तो ये कहेंगे कि घोटाला हरा होगा उनको 2.5 करोड़ का। क्या बताइए? 2.5 करोड़ का घोटाला हरा होगा। कौन सा घोटाला किया उन्होंने? वो कॉलेज वाला, छात्रवृत्ति वाला। किसने किया? निज़ामुद्दीन के भैया ने। निज़ामुद्दीन के भाई ने। तो आपने देखा कि ये लोग जो हैं यहाँ पर हाजी सरवत करीम की बात कर रहे हैं। आगे चल के देखते हैं कि आगे किस तरह का माहौल है मंगलौर में। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम मंगलौर का माहौल जानने की कोशिश कर रही है। अभी आपने पीछे देखा कि वहाँ पर कुछ लोग मिले हमें और वो बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी के पक्ष में बातें कर रहे थे। यहाँ आए हैं, यहाँ किस तरह का माहौल है देखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, किस तरह का विधायक देखना चाहती है मंगलौर की जनता इस बार? विधायक जो है काजी निज़ामुद्दीन साहब को देखना चाहती है। क्या ऐसा क्या दिखा है? अभी तो विधायक वो भी थे। जी, ऐसा है, जो हमारे कोविड टाइम में जो है जितने भी कंसिस्टेंट उन्होंने मंगवाए, वो जो है सब डोर टू डोर, गांव टू गांव, अपना सब जगह उन्होंने पहुंचाया। कोरोना काल में कोई विधायक, कोई नेता जो है इनके अलावा काजी निज़ामुद्दीन साहब से जो है यही अपना बाहर जो है कोविड के टाइम में घूमे, जिसमें इनकी वालदा का जो है आपका डेथ हो गई। सलीम अहमद। सलीम भाई, क्या कैसा विधायक देखना चाहते हैं? विधायक तो हम काजी निज़ामुद्दीन जैसा ही देखना चाहते हैं जी। क्यों?
क्या खूबी है? खूबिया ही खूबिया, जिनमें कमी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे मंगलौर में नहीं रहते, राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जरूरत होगी वहाँ भी जाएंगे, मंगलौर का काम तो यहाँ उनके देखने वाले बहुत हैं, जो जिस काम वो शिकायत करे अगर उनका काम ना होता मंगलौर का। ऐसे कुछ काम बताइए जो निजामुद्दीन ने विधायक रहते हुए कराए। क्षेत्र की सारी सड़कें बनवाई और जो जितने भी काम है सब निजामुद्दीन ही करता, और कौन करता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तहसीन है जी। तहसीन भाई क्या कहेंगे? इन्होंने कोरोना में बहुत कुछ करा जी मजदूर आदमियों के लिए, सिलेंडर बांटे जी, अक्सर बहुत कुछ करा है इन्होंने। और जैसा निजामुद्दीन है, विधायक जी की बहुत पुकार है यहाँ पे, चाहते हैं। निजामुद्दीन जी की पुकार है कि इस बार फिर वही विधायक बने। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जी सोहरा पीरपुरा। सोहरा भाई क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है मंगलौर विधानसभा? मंगलौर का माहौल तो विधायक जी के लिए पूरा का पूरा, और पढ़े लिखे विधायक हैं हमारे, और पढ़े लिखे विधायक हमें चाह रहे हैं, अनपढ़ नहीं हमें चाह रहे। अच्छा, तो बसपा प्रत्याशी क्या अनपढ़ है? हाँ अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बोलने का ही नहीं पता क्या बोलना। ये देखिए कह रहे हैं कि बसपा के प्रत्याशी जो है हाजी सरवत करीम अंसारी, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलने का भी नहीं पता, क्या कहेंगे आप? जहूर हसन नाम, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। कैसा विधायक चाहिए आपको? काजी निजामुद्दीन जैसा चाहिए, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में जी। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जाबिर है जी। जाबिर भाई कैसा विधायक चाहिए? काजी निजामुद्दीन जैसा चाहिए जी। काजी निजाम अफजल है जी। कैसा विधायक चाहिए भाई? निजामुद्दीन जैसा ही चाहता है, अपने क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, ऐसे में अच्छे काम करते हैं। जो आपके विरोधी हैं इनके निजामुद्दीन के, उनका कहना है कि भी विकास नहीं कराया। सब कुछ विकास कराया, काम कराया, अब भी इनको ही चाहते हैं कि यही हो जाए। काजी निजामुद्दीन जैसे विधायक इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तराखंड, बल्कि उत्तराखंड में नहीं है। एक तो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, जातिवाद धर्मवाद पर कोई विचार कोई बात नहीं करते, अपने शासन काल में बेहतरीन काम करते हैं और बेहतरीन ही काम करते रहेंगे, उनकी नीति ही यह बेहतरीन विधायक हैं और उन्हें हम चाहते हैं। तो आपने देखा कि बड़े मियाँ का कहना है कि काजी निजामुद्दीन जो हैं वो धर्म की राजनीति नहीं करते, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सबको साथ लेके चलते हैं। और विकास कार्यों की बात करें तो इनका कहना है कि पूरे उत्तराखंड में इतना विकास किसी ने नहीं कराया जितना काजी निजामुद्दीन ने कराया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मंगलौर की जनता किसे अपना विधायक चुनती है, बसपा के प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी को, या इस बार फिर काजी निजामुद्दीन जो यहाँ के विधायक हैं उन पर विश्वास जताती है। ये 10 मार्च को पता चलेगा। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार, मंगलौर।